दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सन 2001 में रिलीज हुई फिल्म कसम के बारे में और जानेंगे इस फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इसके स्टार कास्ट और ढेर सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। कसम एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको 12 अक्टूबर सन 2001 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म के निर्माता हैं वीना शर्मा और विकास वासवानी। इस फिल्म को निर्देशित किया है शिबू मित्रा ने। इस फिल्म के संवाद लिखे हैं मदन जोशी ने, गीत लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत दिया है बीजू शाह ने। इस फिल्म के लीड रोल में हैं सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, नीलम, सोनू वालिया, हेमंत बिरजे, शरद सक्सेना, रंजीत, सदाशिवम रापुरकर, परीक्षित साहनी, तेज सप्रू, राम मोहन, अंजना मुमताज, गुरुभचन सिंह पेंटल और बीजू खोटे। इस फिल्म की रेटिंग की बात करें तो IMDB की तरफ से 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली हुई है और 77% गूगल यूजर ने पसंद किया है। इस फिल्म के बजट की बात करें तो इसका बजट 1,75,00,000 रुपए रखा गया था और इस फिल्म ने भारत में 1,30,00,000 रुपए का कारोबार किया था और पूरी दुनिया में 2,40,00,000 रुपए की कमाई करके फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म का निर्माण सन 1990 में हुआ था और सनी देओल को एक मेहमान कलाकार के तौर पर साइन किया गया था, पर बाद में उन्हें इस फिल्म का हीरो बना दिया गया। फैक्ट नंबर 2, नीलम की यह आखिरी फिल्म थी। इसके पहले उनकी 1999 में हम साथ साथ हैं फिल्म रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 3, पहले इस फिल्म का नाम पत्थर और पायल रखा गया था। फैक्ट नंबर 4, पहले इस फिल्म में संगीतकार के तौर पर कल्याण जी आनंद जी को साइन किया गया था। फैक्ट नंबर 5, सनी देओल, नसरुद्दीन शाह और चंकी पांडे की यह एक साथ तीसरी फिल्म थी। इससे पहले तीनों ने एक साथ काम किया था विश्वात्मा 1992 और लुटेरे 1993 में। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। फिल्मों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।